क्लास 10th और क्लास 12th वालों, इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं, जो 6 पॉइंट्स पहले ही बता रहा हूं। तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है, न्यू पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो बताने वाला हूं, जो टॉप 5 सब्जेक्ट का रूल है वो कैसे अप्लाई होगा, फेल हो जाओगे तो कंपार्टमेंट देके पास कैसे होगे, ठीक है, मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो देखना है, तो वो आपको वीडियो दिखाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहली बात जो कि कुछ चैनल्स पर दिखाई जा रही है, कुछ चैनल्स, अब नाम नहीं लूँगा, बच्चे को डरा रहे हैं कि भैया रिजल्ट खराब आएगा, लीनियंट कॉपी चेकिंग नहीं हो रही है, मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लग रही है। भैया ना तो तुम मेरी बात मानो ना उन चैनल की बात मानो, तुम बस CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर लो मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है या नहीं लग रही है। जिन लोगों को नहीं पता मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है, छोटे से कम शब्दों में बता देता हूँ। मॉडरेशन पॉलिसी मतलब अगर बच्चा 2-4-5 नंबरों से फेल हो रहा है, जैसे ग्रेस मार्क्स की फॉर्म में, या CBSE को लगता है कि हमारी तरफ से CBSE की साइड से ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इस बच्चे को मार्क्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ और बता दूँ कि तुम ना अपने जितने भी तुमने पेपर दिए हैं अपनी एक्सपेक्टेशन लगा लो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लगा लो, तुमने 60 का किया है पेपर, 70 का किया है, 65 का किया है, 90 का किया है, और आज मेरे वर्ड्स को नोट कर लो भाई, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे, कम मार्क्स नहीं आएंगे। अगर तुमने सही से अपने मार्क्स लगाए हैं तो जिस क्वेश्चन में जितना किया है तो आप लगा लो। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, दोबारा बता रहा हूँ कि जितने मार्क्स आपको प्री बोर्ड में मिले हैं, यानी कि होम बोर्ड में जो जो आपके स्कूल ने कंडक्ट कराया था, उससे ज़्यादा ही मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पूरी बात बताऊं उससे पहले आपको ये बता दूं, अगर तुमको रिजल्ट की चिंता है, रिजल्ट का डर लग रहा है, बार बार नोटिफिकेशन से परेशान हो गए हो कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट का सीधे तुमको एक ऐप बता देता हूं, झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और पिन भी कर दिया है, अभी जाओ और डाउनलोड कर लो, ठीक है, झंझट ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये ऐप आपको 6th से लेकर 12th में तक, आप किसी भी क्लास में हो, मैथ्स में, साइंस में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है आपको, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दीजिए, जरा सी देर में आपके पास 60 सेकंड्स के अंदर सॉल्यूशन बन के आ जाएगा, और मजे करो। CUET के लिए जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ऐप को डाउनलोड कर लो अभी, ठीक है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और मैंने पिन भी कर दिया, भूलना मत, अभी डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा टॉप 5 रूल ये है कि जिन बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो उस एडिशनल सब्जेक्ट की वजह से वो बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन इसमें पूरी बात ध्यान रखना, पूरी बात ये है कि वो एडिशनल सब्जेक्ट, वो जो सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो रहे हो, वो लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। अब लैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश में अगर आप फेल हो रहे हो तो एडिशनल सब्जेक्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। बहुत सारे चैनल वाले ये आधी बात तो बता रहे हैं कि भाई साहब अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो एडिशनल सब्जेक्ट आपको बचा लेगा। जी हाँ बचा लेगा, ये सच बात है, लेकिन इंग्लिश में नहीं बचा पाएगा और हिंदी में नहीं बचा पाएगा। जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें आपको पास होना कंपलसरी है। सर सपोज करो मेरी मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता हूँ और मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट भी नहीं है तो क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा, आपको एक कंपार्टमेंट देनी होगी, मतलब CBSE आपका दोबारा पेपर कंडक्ट कराएगी, उसमें बस पास हो जाना और तुम पास हो जाओगे। क्लास 10th और 12th का पासिंग क्राइटेरिया 85 बार बता देता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि भैया 10th में बस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस इंटरनल में मिला के 33% लाने होते हैं, और क्लास 12th में थ्योरी में अलग पास होना होता है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है। थ्योरी में 33% अलग लाने होते हैं और प्रैक्टिकल में 33% अलग लाने होते हैं। आई होप ये एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे डराने वाली बात ये है कि अभी यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम आया है उसमें एक बच्ची आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 96% लाने के बाद भी फेल हो गई। अब तुम कहोगे सर 96% लाने के बाद फेल हो गई कैसे? ऐसा है, ये ह्यूमन एरर है भाई, जाहिर सी बात है तुम रोबोट तो चेक करते नहीं है, रोबोट इंसानी चेक कर रहे हैं, तो कभी कभी इस तरह की गलती हो जाती है। हालांकि उसके केस में प्रशासन ने माफी मांगी है और उसको सही किया जाएगा, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, उस केस में क्या करना है? चिल्ड्रन, इसीलिए मैं तुमको अभी कह के रहा हूँ अपने सारे पेपर को सजरीगेट करके मार्क्स लगा लो।
अगर तुमको जरा सा भी डाउट हो कि यार मेरे इस सब्जेक्ट में 10 नंबर बढ़ रहे हैं, 8 नंबर बढ़ने चाहिए, 7 नंबर, तो मैं आपको एनकरेज करता हूँ री इवेल्यूशन के लिए डाल देना। ये मत देखना 200, 400, 500, 600 रुपए का खर्चा हो रहा है, ये बिल्कुल मत देखना, क्योंकि बेटा ये जो क्लास 10th और क्लास 12th के मार्क्स हैं जीवन भर पूछे जाएंगे, लाइफ टाइम इन मार्क्स की वैल्यू होती है। अब रही बात आपके रिजल्ट की, तो ये अच्छी बात है कि सीबीएसई थोड़ा सा टाइम ले रही है। अगर टाइम ले रही है इसका मतलब सीबीएसई ये चाहती है कि हमारा जो रिजल्ट आए वो एरर फ्री हो, इस तरह की कोई गलती ना निकले जो यूपी बोर्ड के रिजल्ट में निकली है। ठीक है, 15 मई से पहले तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, जितना मेरी मैंने 2-3 वीडियो में दोबारा पहले बताया, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देख लूँगा। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।